सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राघवेंद्र। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल स्टैंड अप क्लासेज में। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जो है बहुत सारी इधर उधर की बातें हो चुकी हैं, अब जो है अपने स्टडी पे आते हैं आज से। तो मैं आपको बता दूँ कि आज से जो है पर डे लाइव क्लासेज चलेंगे। शाम को जो है 7:30 से 8 बजे के करीब में जो है आपके नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड और NDA के लिए जो है इंग्लिश के लाइव क्लासेज चलेंगे, और सुबह के 11 बजे जो है आपके अदर सब्जेक्ट्स के क्लासेस चलेंगे। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को, ताकि आपसे जो है ये लाइव क्लासेस ना छूट सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जुलाई में आपके सारे के सारे फॉर्म जो है फिर से आने वाले हैं, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप जो है अच्छी तैयारी चाहते हैं। तो इस जो है बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर का लाइव क्लासेस लेना मत छोड़िए, और सुबह 11 बजे जो है अन्य सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस लेना मत छोड़िएगा। अब जो है सीरियस होकर के कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहला चैप्टर है जहाँ से हम आज इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, वो है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के कुछ कॉमन रूल्स यहाँ पे बताऊंगा, और मैं आपको बता दूं जो एडजेक्टिव चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ में इस वीडियो पर अंत तक, और डेली लाइव क्लासेस लेना मत भूलिएगा। रात को करीब 8 बजे में या फिर 7 बजे या फिर जो है दिन में जो है 11 बजे अदर सब्जेक्ट का, और रात में हम चलाएंगे जो है इंग्लिश के क्लासेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज के जो है इस एडजेक्टिव के कुछ रूल्स को जानना शुरू करते हैं यहाँ पे। और ये एडजेक्टिव का चैप्टर मैं 2 पार्ट में बनाया हूँ क्योंकि चैप्टर लेंदी है। तो पहला पार्ट आपका चलेगा जो है 18 से 20 मिनट का, और दूसरा पार्ट जो है कल 18 से 20 मिनट, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं कि दरअसल में एडजेक्टिव होता क्या है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम जो है होगा कि एडजेक्टिव होता है एक ऐसा वर्ड किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पे दिखा हुआ है व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज डिस्क्राइब्स ए नाउन आर अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव जो है किसी भी सेंटेंस में जो है क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब करता है। ठीक है, दे रहा है जैसे द येल्लो फ्लावर लुक्ड ब्यूटीफुल। क्या कह रहा है कि जो येल्लो फ्लावर है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल दिखता है, तो ये क्या कर रहा है, जो येल्लो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सनफ्लावर को। या और यहाँ पे सनफ्लावर क्या है, वो जो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये आपका येल्लो जो है एडजेक्टिव होगा, और जो है डिस्क्राइब कर रहा है वो आपके नाउन सनफ्लावर को। ठीक है, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ रूल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव में कितने प्रकार के रूल होते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ जो एडजेक्टिव होता है वो डिफरेंट जो है रूल्स यहाँ पे देता है, और डिफरेंट चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करता है सेंटेंस में। जैसे क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा, क्वांटिटी को डिस्क्राइब्स करेगा, नंबर को डिस्क्राइब्स करेगा। तो आइए इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल यहाँ पे दे रहा है कि जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, कि क्वालिटी किसी भी वस्तु के बारे में उससे बताता है कि ये वस्तु कैसा है। ठीक है, तो क्या दे रहा है, दीज एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए नाउन। ये क्या करते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव जो है इस सेंटेंस में किसी भी जो है नाउन का नेचर जानने का प्रयास करते हैं, नेचर बताते हैं। दे गिव एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड। कह रहा है कि ये क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो है उस नाउन के बारे में आइडिया देते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि अगर उससे जो है उसके नाउन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उठा जाए कि ये किस प्रकार का है, तो उसके बारे में आइडिया देते हैं कि ये इस तरह का है या फिर ये ऐसा है। अभी आगे मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव यूज होते हैं सेंटेंस में, वो किसी भी नाउन की क्वांटिटी दर्शाते हैं। जैसे 4 kg, 5 kg, इनफ, अ लिटिल, हाफ, मेनी, ये सेंटेंसेज जो है आप यूज किए होंगे, इस तरह के वर्ड आप सेंटेंसेज में यूज किए होंगे। तो कह रहा है दीज एडजेक्टिव हेल्प अस टू शो द अमाउंट ऑफ द अप्रोप्रिएट अमाउंट या अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन। दीज एडजेक्टिव डू नॉट प्रोवाइड एडजेक्ट नंबर, रेदर देर अस टेल अस द अमाउंट ऑफ द नाउन इन रिलेटिव आर होल टर्म्स। क्या कह रहा है कि जो ये एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में जो है किसी एक अप्रोमिएट अमाउंट के बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है, और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी बताते हैं ये एडजेक्टिव, वो एक फिक्स नंबर में नहीं बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, ये सिर्फ एक जो है किसी एक टर्म्स में बताते हैं कि इस टर्म्स में जो है इतनी क्वांटिटी है, पूरा जो है होल टर्म्स बताते हैं क्वांटिटी का। ठीक है, जैसे कौन से वर्ड जो है आपके क्वांटिटी में आता है एडजेक्टिव का, जैसे आल हो गया, हाफ हो गया, मेनी, फ्यू, लिटिल, नो इनफ, ग्रेट, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये रियल नंबर यहाँ पे बताते हैं, जैसे डी एडजेक्टिव है यूज टू शो दी नंबर ऑफ नाउन एंड देयर प्लेस इन एन ऑर्डर, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने नाउन्स यूज किए जा रहा है, चाहे नाउन्स जो यूज हो रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई नंबर जो है किसी चीज पे दर्शा रहा है तो उन सब चीजों को जो क्या करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आइए देखिए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कह रहा है दीज एडजेक्टिव आर यूज टू पॉइंट आउट आर इंडिकेट ए पार्टिकुलर नाउन आर प्रोनाउन यूजिंग द एडजेक्टिव्स दिस डैट दीज आर दोज। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ये एडजेक्टिव होते हैं इनका प्रयोग जो है वो किसी सेंटेंस में किसी एक पार्टिकुलर नाउन या प्रनाउन को जो है फाइंड आउट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उनको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे जो है के लिए किस तरह के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, दिस डैट दीज दोज, ये सब क्या है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। ठीक है, इस तरह के एडजेक्टिव से जो है पता किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखिए क्या होता है, दीज एडजेक्टिव आर यूज टू आक्स क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स आर इन रिलेशन टू नाउन। सपोज दैट ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज किए गए ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो जो जिस सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सॉरी जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा नाउन है उसके बारे में जो है क्या करते हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या है, कैसे है, कब है। ठीक है, जैसे वेयर, व्हाट, व्हिच, आर एंड हुज, ये सारे क्या आएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो है जो एडजेक्टिव के जो आर्डर होते हैं वो इंग्लिश में किस प्रकार का होता है, तो देखिए जनरली किस प्रकार के जो है आर्डर यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो जनरली पहले नंबर पे क्वांटिटी ऑफ नंबर पता चलता है, क्वांटिटी आर नंबर बताता है। दूसरा क्वालिटी आर ओपिनियन बताता है। तीसरा साइज, एज, शेप, ठीक है, कलर, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, आफ्टर नेशनलिटी, अदर प्लेस ऑफ ओरिजिन आर मटेरियल, और पर्पज आर क्वालिफायर। अब मैं आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ और इन सारे रूल्स के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो ऊपर साला जो है आर्डर जो मैंने बताया आपको एडजेक्टिव का, यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिया है जो उसे देख लेते हैं। तो क्या दिया है, आई लव दैट बिग ओल्ड ग्रीन एंटी क्यू कार दैट इज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माई सिस्टर एडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग व्हाइट बल डॉग। नेक्स्ट है फाइव लिटिल सिल्वर स्पून आर ऑन द टेबल एंड अमेजिंग हार्ट शेप्ड रेड बैलून्स वार इज इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या कर रहा है, ये नेचर दर्शा रहा है, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारे जो है उस नाउन के दर्शाएंगे सेंटेंस में, ये सारे एडजेक्टिव हैं और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके जो है क्वालिटी, शेप, साइज, हर चीज़ को यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो ये आपको ही मालूम होगा कि ऑलमोस्ट जो है एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, तीन डिग्री में जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, जिसमें वो क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को सिंपली डिस्क्राइब कर देता है, वहाँ पे से कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस एक एक इंसान को जो है यानी कोई एक वस्तु जिससे उसका कंपैरिजन होता है बस उसी को डिस्क्राइब करता है और नेचुरली उसे जो है ट्रू जो है साबित करता है, नेचुरली उसके बारे में बताता है कि ये कैसा है। ठीक है, लेकिन जो क्या होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो किसी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, और कंपैरिजन में ये दिखाना होता है कि जो पहला है वो दूसरे से थोड़ा सुपीरियर है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको सारा का सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा होता है तो इसके बारे में तो आप सुने ही होंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये तीन लोगों के बीच में होता है, यानी कंपैरेटिव दो लोगों के बीच में था, यानी पहला दूसरे से थोड़ा जो है बेहतर होता है, लेकिन यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री होता है यहाँ तीन आ जाता है या तीन से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी तीन कह लीजिए या फिर जो है हजारों में किसी एक को अगर डिस्क्राइब करना हो तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे मान लीजिए कि ये तीन लोग हैं, अगर हम पूछें कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ गुड, बेटर, बेस्ट, जिसमें पॉजिटिव डिग्री गुड, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर हो जाए, सॉरी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो थर्ड फॉर्म है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। तो वैसे ही अगर हम किसी तीन लोगों में जो है कंपैरिजन करें कि हु इज जो है बेस्ट, यानी पूछेगा कि इन लोगों में से जो है सबसे बेस्ट कौन है, यानी चाहे वो तीन लोगों या फिर दस लोगों का झुंड हो, तो इसमें ये पूछा जा रहा है इन सारे में से सबसे बेस्ट कौन है, तो वहाँ पे जब किसी
पूरी एक भीड़ में से किसी एक इंसान के बारे में बात किया जाए, कंपेरिजन किया जाए उसी इंसान का सारे से, तो वहाँ पे क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, तो यहाँ से कुछ जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का, तो आइए दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे बिग का जो है पॉजिटिव डिग्री है, तो बिग का वो नेचुरल, आप देखिए नेचुरल, मैंने आपसे बताया ना कि पॉजिटिव डिग्री में हमेशा जो है नेचुरल वर्ड्स प्रयोग किया जाता है, नेचुरली उन्हें शो किया जाता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में कंपेरिजन किया जाता है एक दूसरे के बीच में। फिर सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि बहुत से लोगों में किसी एक का जो है पढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे बिग का बिगर बिगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ठीक है। थोड़ा और नीचे आइए, लकी लकियर लकीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, हॉरिबल मोर हॉरिबल एंड मोस्ट हॉरिबल, गुड बेटर एंड बेस्ट, बैड वर्स एंड वरेस्ट, लिटिल लेस एंड लिस्ट, एंड फार फार्दर फार्देस्ट। तो क्या दे रहा है, एनी सिंपल ग्रामर बुक कैन बी प्रीफर टू फॉर नोइंग मोर अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ दे रहा है किसी जो है आप एक सिंपल ग्रामर बुक का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतर जो है एडजेक्टिव डिग्री को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल पहला, अब थोड़ा रूल जान लेते हैं इसका, ठीक है, जो है कैसे जो है कंपेरिजन किया जाता है, थोड़ा यहाँ पे रूल जान लेते हैं। तो रूल का जो है कंपेरिजन वो है, व्हाइल मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स द कंपेरेटिव डिग्री इज यूज्ड एंड नॉट द सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ कह रहा है कि जब किसी दो लोगों के बीच में कंपेरिजन, हमको कंपेरिजन करना हो तो वहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से अधिक लोगों के बीच में जो है कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, इनकरेक्ट है ये, सी इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, ये गलत है ना। यहाँ पे दे रहा है सी इज नॉट द रिचर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो ये देखिए ये सेंटेंस सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इन कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस ई आर प्लस देन इज यूज। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है मेन, यानी जो सिंपल एडजेक्टिव होता है उसमें प्लस ई आर जोड़ देते हैं और वो क्या हो जाता है, वो कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। देन इज यूज इन केस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन्स आर थिंग्स एंड एन एडजेक्टिव ऑफ कंपेरेटिव डिग्री विल बी यूज विद इट। फिर कह रहा है कि अगर दो लोगों के बीच में जो है अगर हम कंपेरिजन करें तो उस एडजेक्टिव के साथ में हम देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ कैसे, जैसे ही इज टालर देन हिज सिस्टर, क्या कह रहा है, वो अपने बहन से जो है लंबा है, टालर है, देखिए देन का प्रयोग हो रहा है ना। तो ऐसे जो जब अगर डिग्री कहीं पूछा हो तो अगर इस तरह का देन का प्रयोग अगर दो लोगों के बीच में कहीं किया जा रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, कंपेरेटिव डिग्री है वहां पे एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट रूल थ्री देख लेते हैं, रूल थ्री क्या कह रहा है। तो रूल थ्री कह रहा है इफ अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू पर्सन आर थिंग्स द कंपेरेटिव डिग्री विल बी यूज्ड। कह रहा है कि अगर कोई चॉइस करना हो किसी दो लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल दी विल बी यूज्ड बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री एंड विल बी यूज्ड आफ्टर द कंपेरेटिव डिग्री। क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि जब कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो वहां कंपेरेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वहां पे जो है आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं उससे पहले, ठीक है, या फिर बाद में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे द स्ट्रक्चर विल बी, जैसे दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ दी का वहां पे लास्ट में कंपेरेटिव के बाद जो है ऑफ दी का प्रयोग करते हैं, पहले आर्टिकल दी का, फिर कंपेरेटिव का, फिर ऑफ दी का, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हिसार इज द बेटर ऑफ द टू सिटीज, क्या कह रहा है, हिसार जो है इन दो अलग सिटियों से जो है अभी बेटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहले किसका प्रयोग किया, आर्टिकल डी का, फिर उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री का, उसके बाद ऑफ डी का। तो ये रूल आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। फिर दूसरा रूल है सचिन इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, क्या कह रहा है, सचिन जो है उन दो प्लेयर्स से भी जो है बेटर है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले जब कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हमेशा कंपेरिजन से पहले जो है आर्टिकल डी का प्रयोग होता है और कंपेरिजन के बाद जो है ऑफ डी का प्रयोग होता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिमिलरली इज द चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन मोर देन टू थिंग्स आर पर्सन द सुपरलेटिव डिग्री विल बी यूज्ड। फिर कह रहा है कि अगर चॉइस दो से अधिक लोगों के बीच में करनी हो कंपेरेटिव डिग्री के लिए तो वहां पे जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, तो वहां भी सुपरलेटिव डिग्री के लिए सबसे पहले आपको आर्टिकल दी का प्रयोग करना होता है, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री रखिए, उसके बाद फिर आप दी का प्रयोग कीजिए। जैसे हरी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बैटमैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम,
आप देख सकते हैं यहाँ भी दी का प्रयोग, फिर उसके बाद सिपुलेटेड डिग्री का प्रयोग, फिर उसके बाद ऑफ आल दी का प्रयोग, ठीक है, ऑफ आल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश इज द इजिएस्ट ऑफ आल दी लैंग्वेज, यहाँ फिर देखिए वही चीज आया ऑफ आल दी, यहाँ इजिएस्ट जो है आपका सिपुलेटेड डिग्री है और साथ में उससे पहले आपका जो है दी का प्रयोग किया गया और उस ठीक उसके बाद ऑफ दी का प्रयोग किया गया, तो ये रूल आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने रूल नंबर फोर पे। तो हमारा रूल नंबर फोर है If two qualities are to be compared of the same person or things, then we don't use the comparative degree. अगर कह रहा है कि अगर किसी दो वस्तु को जो है, एक बार और देखिए, If two qualities are to be compared of the same person, अगर किसी एक ही आदमी की किसी दो क्वालिटी को एक आपस में कंपेयर करना हो तो हम कभी भी वहाँ पे comparative degree का प्रयोग नहीं करते हैं। Comparative degree is used for comparison between two different things or person. याद रखिएगा जो कंपेरेटिव डिग्री होता है वो हमेशा दो अलग वस्तु और दो अलग व्यक्तियों के बीच में जो है किया जाता है कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग, ठीक है, कंपेरिजन के लिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री मोर एंड पॉजिटिव डिग्री विल बी यूज्ड, तो वहां पे कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए यानी किसी एक व्यक्ति के जो है उसी के जो दो गुण के बारे में अगर हमें कंपेरिजन करना हो तो वहां पे कभी हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वहां पे हम हमेशा जो है पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल इज लकियर देन हार्ड वर्किंग, देखिए राहुल जो है लकियर भी है और हार्ड वर्किंग, ये दोनों इसी की जो है क्या है क्वालिटीज हैं और यहाँ पे जो है कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों पे एक दूसरे से, तो यहाँ सिंपल ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा राहुल इज मोर लकियर देन हार्ड वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट रूल फाइव देख लेते हैं कि रूल फाइव क्या है। तो रूल फाइव है स्टूडेंट इफ एन एडजेक्टिव इज टू बी यूज बिटवीन, अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है किसके बीच में, एज एज के बीच में एंड सो एज के बीच में, द एडजेक्टिव शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री, तो ऐसे एडजेक्टिव क्या होते हैं हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। जैसे अभी सेंटेंस आपको मैं करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल में तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो दिया है एज इज यूज टू सो डैट समथिंग इज इक्वल गुड आर बैड, कह रहा है एज का प्रयोग जो है हमेशा क्या करते हैं किसी ऐसे वस्तु को जो है शो करने के लिए किया जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है, इक्वली गुड यानी इक्वली अच्छा है इक्वली बुरा है, ठीक है। एग्जाम्पल हिसार इज एज हॉट एज गंगा गर इज मई, कह रहा है कि हिसार उतना ही गर्म है जितना कि गंगा गर मई में होता है, ठीक है, मई में ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे इतना ही गर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सो एज का जो प्रयोग होता है यूज टू सो समथिंग इज नॉट एज गुड एज बैड, कह रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन ये दिखाता है कि कोई वस्तु एक दूसरे से उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं है। जैसे भोपाल इज नॉट सो डेवलप्ड एज दिल्ली, कह रहा है कि भोपाल उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि दिल्ली हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस रूल इज आल्सो एप्लीकेबल इन एडवर्ब्स, और इस रूल्स को जो है एडवर्ब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि एडवर्ब्स जो है वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे गीता डांस्ड एज ग्रेसफुली एज लता, तो क्या कह रहा है गीता ने डांस किया एज ग्रेसफुली एज लता, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर सिक्स देख लेते हैं। तो रूल नंबर सिक्स है हमारा आर्टिकल दी इज यूज बिफोर सिपुलेटेड डिग्री एज इट बिकम डेफिनिट, तो हमेशा जो है आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है सिपुलेटिव डिग्री के पहले और ऐसा करने से वो क्या हो जाता है डिफिनिट सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर सेवन पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, कह रहा है एग्जांपल दिया थोड़ा इसे देखिए पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, करेक्ट क्या है पुनीत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो देखिए यहाँ पे रूल क्या लागू हो रहा है देयर आर इन बोथ दिस सेंटेंसेज वी आर कंपेयरिंग पुनीत टू एनी बॉय इन द क्लास बट वन इज एट टाइम, कह रहा है कि यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं पुनीत को कंपैरिजन कर रहे हैं किसी जो है पूरे क्लास के बॉयज में से कि सभी में से लंबा है ये, लेकिन यहाँ पे जब एनी का प्रयोग हो जा रहा है तो यानी किसी कोई एक ऐसा है जो इससे भी लंबा है, ठीक है। इन सच सेंटेंसेस वेयर वी विश टू स्टेट दैट समथिंग समवन आर समथिंग इज बेटर और वर्स देन द रेस्ट बट इट इज टू बी टेकन एट ए टाइमली एनी अदर विल बी यूज्ड, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे जगह पे जो है उससे क्या करते हैं उस तरीके से यूज करते हैं कि उसे अच्छा बेटर या वर्स जो है सबकी नज़र में दर्शाया जा सके, सब पे कंपेरिजन किया जा सके, ना कि किसी एक को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट सम मोर एग्जाम्पल जैसे है मैथ इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट, नेक्स्ट है जनवरी इज कूलर देन एनी अदर मंथ ऑफ द ईयर, तो कोई तो एक मंथ होगा जो जनवरी से भी कूलर होगा, ठीक है।
जैसे अगर हम कह दें कि जनवरी इज कूलेस्ट ऑफ ऑल दी अदर मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जनवरी जो है सबसे सुपर है, सबसे जो है कूलेस्ट है सभी बारे के बारे महीने में, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 8 देख लेते हैं, रूल नंबर 8 क्या कहता है। तो रूल नंबर 8 है, इन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन इज यूज, देन का प्रयोग किया जाता है बट फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन IOR, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव जो IOR से इंड होते हैं, देन इज नॉट यूज, ऐसे तब एडजेक्टिव के जो है साथ में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इंस्टीड टू इज यूज, और वहाँ पे जो है देन की जगह पे टू का प्रयोग करते हैं। लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ही हुआ जूनियर देन आई इन कॉलेज, तो यहाँ देखिए सेंटेंस गलत हो गया, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा ही वाज जूनियर टू मी इन कॉलेज, तब जाके सेंटेंस सही होगा, रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, सर्टेन एडजेक्टिव कैन बी यूज इन कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। दे रहा है कि सर्टेन एडजेक्टिव, किसी एक सर्टेन एडजेक्टिव को जो है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे दी प्रेजेंटेशन वाज परफेक्ट, प्रेजेंटेशन परफेक्ट था, करेक्ट है, लेकिन अगर वहीं कह दें योर प्रेजेंटेशन वाज मोर परफेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। उसे हम अगर ये भी कहें हिज प्रेजेंटेशन वाज दी मोस्ट परफेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, जबकि उसे क्या कहना पड़ेगा, दी प्रेजेंटेशन वाज परफेक्ट, प्रेजेंटेशन क्या था, परफेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ दी सेंटेंसेज बी एंड सी आर इनकरेक्ट, बी और सी जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, परफेक्ट मीन्स फ्लॉलेस, ठीक है। When we are already saying something is perfect, अगर किसी वस्तु को जब हम पहले से कह रहे हैं कि भाई वो परफेक्ट है, तो उसके बारे में हमें एक्सक्यूज देने की क्या जरूरत है, इस प्रेजेंटेशन वाज द मोस्ट परफेक्ट ऐसा कहने से हमें क्या जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सच वर्ड दैट कांट बी यूज इन कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग जो है हम सुपरलेटिव या फिर कंपेरेटिव डिग्री में नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें थोड़ा आप देख लीजिए क्या दे रहा है, सुप्रीम, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, आइडियल, एवरलास्टिंग, इटरनल, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, मेजर, माइनर, कंप्लीट, इंटायर, चीफ, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, माइनर, यूटीरियर, यूनिवर्सल, यूनिक, लास्ट एंड फाइनल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम जो है प्रयोग कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, दार्जिलिंग टी इज द मोस्ट सुपीरियर टी इन इंडिया, ये इनकरेक्ट है। अगर हम वही कहेंगे दार्जिलिंग टी इज ए सुपीरियर टू एनी अदर टी ग्रोन इन इंडिया, तब जाके यहाँ पे सही होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, तो हम ये रूल जान करके जो है स्टूडेंट अब रहने दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम जो है बोर फील करने लगेंगे, बाकी के रूल्स जो है अगले वीडियो में कल के लाइव क्लास में जान लेंगे। तो आइए रूल नंबर 10 देख लेते हैं, रूल नंबर 10 क्या है। रूल नंबर 10 है, इफ टू एडजेक्टिव आर बीइंग यूज्ड फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन, देन द एडजेक्टिव शुड बी इन द सेम डिग्री। कह रहा है कि अगर किसी दो एडजेक्टिव जो है यूज किए जा रहे हैं नाउन या किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो क्या कह रहा है कि वो उन एडजेक्टिव को जो है एक ही डिग्री में रहना पड़ेगा। जैसे इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एंड टॉलरेंट कंट्री, ये इनकरेक्ट है। अगर तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ ग्रेट एंड टॉलरेंट कंट्री, तब जाके यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट कैसा लगा आज का ये क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और कल का ये लाइव क्लास लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके आगे के रूल्स हम कल के लाइव क्लास में जानेंगे। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंड अप क्लास को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।